स्वच्छ वातावरण और साफ सुथरी जगह पर रहना अगर हमारा अधिकार है तो आसपास की सफाई के प्रति जागरूक रहना हमारा कर्तव्य भी है। ऐसे में जरूरी है कि हम अपने आसपास गंदगी को फैलने ही ना दें। आइए हम ये भी वादा करें कि हम अपने नगर निगम को साफ सुथरा और स्वच्छ बनाएंगे। इसी अपील के साथ मैं हूँ आपके साथ नीतीश गंगवार और आप देख रहे हैं मिशन 24x7। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हेडलाइन के साथ और उसके बाद दिखाएंगे दिन भर की सभी छोटी बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। तो आइए नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। राजा सब्जी मंडी में दो पक्षों में हो रहे विवाद के बीच आवारा सांड ने की जबरदस्त एंट्री, लोगों में मची भगदड़। सांड की एंट्री के बाद विवाद भी हुआ खत्म। अलग अलग थाना क्षेत्रों में हुई 3 आत्महत्याएं, पुलिस ने सभी के शवों को कब्जे में लिया। थाना सदर बाजार, थाना कलान और थाना रामचंद्र मिशन में हुई आत्महत्याएं। थाना अल्लागंज पुलिस ने 3 बदमाशों को किया गिरफ्तार। तीनों बदमाशों के पास से अवैध तमंचा और कारतूस बरामद। तीनों पर अलग अलग जिलों में दर्ज हैं कई मुकदमे। नगर निगम सफाई को लेकर मेयर अर्चना वर्मा के तेवर सख्त। कई जगह पर किया निरीक्षण, कर्मचारियों को गंदगी मिलने पर कार्रवाई की दी चेतावनी। और पुमाया में तेज रफ्तार ट्रक ने कार में मारी टक्कर। कार सवार युवक की मौत, एक अन्य घायल। घायल को मेडिकल कॉलेज में कराया गया भर्ती। पुवाया में तेज रफ्तार ट्रक ने कार में टक्कर मार दी। टक्कर लगने से कार सवार एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसका साथी गंभीर रूप से घायल हुआ है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि बंडा थाना क्षेत्र के धर्मापुर का रहने वाला संतोष कुमार अपने साथी रंजीत कुमार के साथ कार से घर की ओर जा रहा था। उसी दौरान टेहरी गांव के पास एक तेज रफ्तार ट्रक ने उनकी कार में टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि संतोष की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसका साथी गंभीर रूप से घायल हुआ है, जिसे आनन फानन में पुमाया के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। यहां हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया। तिलैर में नगर पालिका प्रशासन द्वारा बनाए गए नाले के ध्वस्त होने और उसकी मरम्मत न होने से इलाके के लोग परेशान हैं। लोगों का कहना है कि भारी बरसात के बाद क्षतिग्रस्त हुए नाले की वजह से बरसात का पानी सड़कों पर जमा हो रहा है। इसके अलावा यूनियन बैंक के सामने नाला पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया है, साथ ही नाले को कई जगह से बंद कर दिया गया है। कलान थाना क्षेत्र के जखिया गांव में महिला का संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी के फंदे पर लटकता हुआ शव मिला है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बताया जा रहा है कि 23 वर्षीय रूपा ने घर के आंगन में साड़ी के फंदे से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक महिला के पति ने जानकारी देते हुए बताया कि वह दिल्ली जाने की बात कह रही थी। दिल्ली न जाने पर उसने गुस्से में आकर घर में ही फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। फिलहाल सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और जांच शुरू कर दी है। राजा सब्जी मंडी में दो पक्षों में हो रहे विवाद में एक आवारा सांड ने भी जबरदस्त एंट्री की, जिसके बाद झगड़ा कर रहे दोनों पक्ष इधर उधर भागते नजर आए। बताया जा रहा है कि दुकान के सामने कूड़ा डालने को लेकर दो आड़तियों में तीखी नोकझोंक हो रही थी। इसी दौरान एक आवारा सांड के भीड़ में घुसने के बाद अफरातफरी मच गई। हालांकि सांड की एंट्री के बाद आपस में हो रहा विवाद भी खत्म हो गया। शाहजहांपुर की मेयर अर्चना वर्मा ने आज साफ सफाई व्यवस्थाओं का जायजा लिया। अर्चना वर्मा ने आज गर्रा फाटक से बरेली मोड़ तक कराए जा रहे साफ सफाई के कार्य को देखा, साथ ही जल भराव और जगह जगह कचरे के ढेर का भी निरीक्षण किया। इस दौरान अर्चना वर्मा ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि स्वच्छता का विशेष रूप से ध्यान रखा जाए। नोएडा से हरियाणा जाते समय शाहजहांपुर के 4 लोगों की मौत हो गई थी। मरने वाले चारों लोग भावलखेड़ा ब्लॉक के नियामतपुर गांव के रहने वाले थे। परिवार वालों से मिलने के लिए समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष तनवीर खान उनके घर पहुंचे और परिवार वालों को सांत्वना दी।
इस हादसे में नियामतपुर के रहने वाले मदन पाल यादव के दो बेटे शेर सिंह यादव और कमलेश यादव, इसके अलावा पूर्व प्रधान के बेटे किशन पाल और वीरपाल की मौत हो गई थी। थाना लगंज पुलिस ने 3 सातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है जिनके पास से अवैध शस्त्र बरामद हुए हैं। पुलिस ने मुखबिर की सूचना के आधार पर फतेहपुर को जाने वाले रास्ते से गोविंद कुमार, सिकंदर और दीपू को गिरफ्तार किया है। इस दौरान अभियुक्तों के पास से अवैध असलाह बरामद हुए हैं। गिरफ्तार किया गया अभियुक्त गोविंद हरदोई जनपद का रहने वाला है, तो वहीं सिकंदर और दीपू फरुखाबाद जनपद के रहने वाले हैं। पुलिस ने तीनों अभियुक्तों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मामला दर्ज करते हुए उन्हें जेल भेज दिया है। नेशनल हाईवे 24 से गुजरने वाले कांवड़ियों के लिए तिलहर में बाईपास चौराहे पर निःशुल्क मेडिकल कैंप लगाया गया है। मेडिकल कैंप में स्वास्थ्य कर्मियों की 24 घंटे ड्यूटी रहेगी। इसके अलावा इलाज से संबंधित सभी दवाइयां भी उपलब्ध रहेंगी। थाना रामचंद्र मिशन क्षेत्र के चौड़ेरा गांव के रहने वाले 32 वर्षीय विनय ने घर के अंदर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और जांच शुरू कर दी है। मृतक के पिता हरिओम पांडे ने जानकारी देते हुए बताया कि हरदोई जिले के पिहानी थाना क्षेत्र के बजीर नगर इलाके के रहने वाले किसी व्यक्ति से उसकी फ़ोन पर बातचीत हुई थी, उसके बाद विनय ने कल शाम फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। फिलहाल सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि पीएम रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। शाहजहांपुर में आज नगर निगम कार्यालय में जनसुनवाई कैंप का आयोजन हुआ। इस दौरान अपर नगर आयुक्त एसके सिंह ने फरियादियों की समस्याओं को सुना। इस दौरान कई समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण करा दिया गया, तो शेष समस्याओं के निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया। आपको बता दें कि जनसुनवाई कैंप का आयोजन प्रत्येक मंगलवार को नगर निगम कार्यालय में 10 बजे से 2 बजे तक आयोजित किया जाता है। तिलहर में राष्ट्रीय गौरक्षक संघ ने नायब तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में मांग की गई है कि नगर में मीट की दुकानों को बंद किया जाए। गौरक्षक संघ का कहना है कि सावन महीना चल रहा है और कांवड़ यात्रा कई इलाकों से गुजरेगी, ऐसे में मीट की दुकानों को बंद किया जाना बेहद ज़रूरी है। इस दौरान गौरक्षक संघ के तमाम पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। हापुड़ में हुई ट्रैकमैन की दुर्घटना में मौत से आक्रोशित होकर नॉर्दर्न रेलवे मैंस यूनियन की शाहजहांपुर शाखा ने गेट नंबर 321 पर ट्रैकमैनों के साथ जोरदार प्रदर्शन किया और रेल प्रशासन से मृतक के परिवार को आर्थिक सहायता की मांग की। इसके अलावा ट्रैकमैनों सहित अन्य कर्मचारियों को बिना प्रशिक्षण काम न कराने की मांग करते हुए रेल कर्मियों की सुरक्षा की भी मांग की है। इस दौरान रेल कर्मियों को संबोधित करते हुए सहायक मंडल मंत्री नरेंद्र त्यागी ने कहा कि रेल कर्मियों की सुरक्षा एनआरएमयू की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि रेलवे के अफसरशाही के सामने छोटे कर्मचारियों की जान की कोई कीमत नहीं है, इसे एनआरएमयू किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगा। रेल कर्मचारियों को पहले प्रशिक्षण दिया जाए फिर काम पर लाया जाए। भारतीय किसान यूनियन राष्ट्रवादी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर रामचंद्र सिंह 5 जुलाई यानी कल शाहजहांपुर आ रहे हैं। यहां पर सिंदौली के मुड़िया मोड़ स्थित एमए पब्लिक स्कूल में बने नए भवन का फीता काटकर उद्घाटन करेंगे। यह जानकारी एमए पब्लिक स्कूल के प्रबंधक मोहम्मद आसिफ अली मंसूरी ने दी है। आसिफ अली मंसूरी ने जानकारी देते हुए बताया कि सुबह 10 बजे राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर रामचंद्र सिंह मुख्य अतिथि के रूप में आएंगे। इस दौरान विशिष्ट अतिथि के रूप में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद नफीस भी मौजूद रहेंगे।